ठाकुर कांड को लेकर अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील में गुस्साए अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। जी हां, आपको बता दें, खबर है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद से, जहां आज जनपद के आलापुर तहसील में गुस्साए अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। बता दें कि हापुड़ कांड को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के अधिवक्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। हर जनपद में बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अंबेडकर नगर जनपद के आलापुर तहसील में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि हापुड़ कांड में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर ये आंदोलन चल रहा है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर शेषनाथ सिंह, राजमर, दयाराम यादव, दिनेश मौर्य, गिरधारी तिवारी, अजीत यादव, योगेंद्र यादव, अरुण चौरसिया, दिलीप यादव आदि समस्त अधिवक्तागण मौजूद रहे। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए अंबेडकर नगर जनपद से संवाददाता राजकुमार मौर्य की रिपोर्ट। लोग बार काउंसिल के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया का पुतला जलाए हैं। अगला दिशा निर्देश जो होगा बार काउंसिल का, उसी के अनुसार हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। के आह्वान पर जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आज तक हम लोगों की बातों को कुछ नहीं सुन रहे हैं। चाहे एसपी हो, पुलिस हो, किसी पुलिस को बर्खास्त नहीं किए हैं। आज उनके आदेश पर हम लोग मुख्यमंत्री का पुतले फूकने का काम किया है, और जो भी हम बार काउंसिल का आदेश मिलेगा उसके आदेश का हम लोग कठोर से कठोर परिवर्तन का आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे जो होगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सही अध्यक्ष जी, ये जो आज पुतला फूंका गया है, किसका फूंका गया है, किस कारण से फूंका गया है? मुख्यमंत्री योगीनाथ का जी, किस कारण? ये बार दोषियों को जो है कोई भी सजा नहीं दिए, ना तो एसपी डीएम का अंतरण किया गया, न निलंबित किया गया, और ना तो अधिवक्ताओं के लिए कोई कार्रवाई। हम लोग जो है आज हमारा अधिवक्ता संघ आलापुर, ये जो है हापुड़ कांड को लेकर बार काउंसिल के निर्देश पर आज हम लोग जो है शासन प्रशासन का विरोध कर रहे हैं, और बार काउंसिल के निर्देश पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंक रहे हैं। आज ये आंदोलन हमारा, अगर ये नहीं मांग पूरी हुई अधिवक्ताओं की, तो यहाँ से लेकर